दो साल पहले साल 2019 में दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दी। धीरे धीरे कोरोना पूरे देश में फैल गया। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर ने हर घर, हर शहर में कहर बरपाया। दो साल बाद भी कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के मामलों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी बदौलत संक्रमण की दर 13% के करीब हो गई है। शुक्रवार को राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 2419 नए मामले सामने आए। पिछले 6 महीने में संक्रमितों का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले 3 फरवरी को सबसे ज्यादा 2668 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 12.95% हो गई है। इससे पहले 23 जनवरी को संक्रमण की दर 13.32% दर्ज की गई थी। बात अगर सक्रिय मरीजों की करें तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में ऐसे मरीजों की कुल संख्या 6,876 है, जबकि बीते 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। शुक्रवार को सामने आए नए मामलों के बाद दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,64,793 हो गई है, जबकि मृतक संख्या 26,327 पर पहुंच गई है। कोविड की लगातार बढ़ रही रफ्तार अब टेंशन दे रही है। वहीं देश भर से सामने आ रहे कोरोना वायरस के आंकड़े भी कुछ राहत नहीं दे रहे हैं। हालांकि आज देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। देश में आज भी दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। देश में आज कोरोना के 20,000 से कम नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,406 नए केस सामने आए हैं। इसी दौरान 49 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इससे पहले शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के 20,551 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 70 लोगों की मौत हुई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की संख्या में 1,145 की कमी दर्ज की गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,34,793 हो गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,41,26,994 हो गई है। वहीं देश में अब तक कुल 5,26,649 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 4.95% बताई गई है। इस दौरान 19,406 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4,34,65,552 पर पहुंच गई है। जहां एक तरफ कोविड के नए मामले बढ़ रहे हैं, वहीं बूस्टर डोज लगाने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि अब तक 10 करोड़ लोग कोविड रोधी टीके की एहतियाती या बूस्टर खुराक लगवा चुके हैं। आपको बता दें कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत 75 दिनों का विशेष अभियान कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।